नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी में गुरुवार को भीषण विस्फोट से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पिता पुत्र शामिल हैं। दोनों बिहार के अररिया के रहने वाले। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार को 4-4 लाख सहायता राशि देने की घोषणा की है। घटना भोलूपुर थाना क्षेत्र के कमच्छा के अस्पाक नगर में घनी आबादी के बीच स्थित एक मकान के कमरे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में बंद कमरे में चारों जिंदा ही झुलसकर मर गए। पिता आरिफ अहमद और पुत्र मोहम्मद साबान साड़ी की पैकेजिंग का काम करते थे। यहां किराए का कमरा लेकर साड़ियों की पैकेजिंग करते थे। गुरुवार की दोपहर भी साड़ी की पैकेजिंग कर रहे थे। कमरे में 2 दरवाजे लगे हुए थे, दोनों बंद थे। एक दरवाजे के पास शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग साड़ियों के गट्ठर तक जा पहुंची और कुछ ही मिनटों में आग धधक उठी। दूसरा दरवाजा खोलने का मौका ही नहीं मिला। चीख पुकार सुनकर जब तक लोग पहुंचते तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। घटना पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा निधि से सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।